हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक डिजास्टर कॉजेज़ एंड फेजेज़ सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिज़ास्टर क्या होता है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और क्या क्या फेजेज़ हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मीनिंग ऑफ डिज़ास्टर सो डिज़ास्टर हमने ये वर्ड काफ़ी कॉमन है हमने कई बार सुना है तो डिज़ास्टर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है डिज़ास्टर इज एन ईवेंट और अ टेरिबल सिचुएशन दैट कोज अ लोट ऑफ हार्म एंड डैमेज कि डिज़ास्टर क्या है एक ऐसा इवेंट है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ही खतरनाक एक टेरिबल एक हो सिचुएशन है जिसके जो हमें क्या कर सकती है हार्म कोज कर सकती है या डैमेज कर सकती है सो so जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकती है हार्म

लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो डिज़ास्टर है अर्थक्वेक जैसे हमने कई बार सुना है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कौन से नेशन में लगातार अर्थक्वेक आ रहे थे तो इसका मतलब क्या है वेरी शॉर्ट पीरियड पे अर्थक्वेक आ रहे हैं अर्थक्वेक भी एक डिज़ास्टर है तो इसका मतलब क्या हो रहा है शॉर्ट पीरियड पर लगातार अर्थक्वेक आ रहे हैं तो जो हमारा डिजास्टर है वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है कि वो टाइम ले दोबारा रिपीट होने में और ऐसा भी हो सकता है बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो दोबारा रिपीट हो जाए और जो डिजास्टर होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन भी हो सकते हैं कि ली हो रहे हैं या फिर ह्यूमन बींग की वजह से हो रहे हैं अ डिजास्टर रेफर टू अ सडन कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट सिग्निफिकेंट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू द नॉर्मल लाइफ कि ऐसा इवेंट जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है जो बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट कर सकता है ऐसे इवेंट को हम डिज़ास्टर बोलते हैं ऐसी सिचुएशन को हम डिज़ास्टर बोलते हैं और वो क्या करता है सिग्निफिकेंट डैमेज करता है एक नॉर्मल लाइफ के ऊपर कि अगर डिज़ास्टर होता है तो वो क्या करता है नॉर्मल लाइफ जो हमारी है जो नॉर्मल रूटीन है उसे अफेक्ट करता है उस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है जैसे कि लैंडस्लाइड है अर्थक्वेक है फ्लड है टेररिस्ट अटैक है ये सब क्या है हमारे एग्जांपल्स हैं डिज़ास्टर की सो so, डिज़ास्टर का मीनिंग क्या हुआ डिज़ास्टर एक ऐसी टेरिफिक एंड हॉरिबल सिचुएशन है एक ऐसा इवेंट है जो क्या करता है हमारी नॉर्मल लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डालता है और जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हमारी लाइफ पे एनिमल्स पे या इन्वायरमेंट पर हार्म और डैमेज क्रिएट कर सकता है नाउ वट आर द कॉजेज ऑफ डिजास्टर यानी कि ये डिजास्टर होते क्यों हैं उनके पीछे क्या रीजन है तो दो तरीके के रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से डिजास्टर होगा जब हमने डिजास्टर का मीनिंग किया तब भी हमने बोला था कि डिजास्टर क्या हो सकता है दो वजह से हो सकते हैं या तो नेचुरली वो हो रहा है एनवायरमेंट के अंदर अपने आप से हो रहा है उसके अंदर ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है या फिर ह्यूमन बींग की वजह से हो रहा है मैन मेड है सो नेचुरल कोजेज और मैन मेड कोजेज होते हैं कि नेचुरल रीजन की वजह से डिजास्टर हो रहा है या ह्यूमन रीजन की वजह से डिजास्टर हो रहा है सो नेचुरल रीजन क्या हैं डिजास्टर के फर्स्ट इज जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल रीज़न का मतलब क्या है कि जो हमारी लैंड है उसके अंदर कोई चेंजेस आने की वजह से जो डिज़ास्टर होती हैं जो कॉजेज़ हैं वो क्या है जियोलॉजिकल तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी लैंड है जो भी आपकी लैंड है उसके अंदर वाइब्रेशन होती है उसके अंदर कोई चेंजेज़ होते हैं मोडिफिकेशन हो रहे हैं कोई ऐसी अल्ट्रेशन हो रही है जो ये कैपेबिलिटी रखती है कि वो डिस्ट्रक्ट कर सकती है वो हार्म कोज कर सकती है उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ़ डिज़ास्टर तो जियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ़ डिज़ास्टर हुए ऐसे कॉजेज जो लैंड की वजह से आते हैं उनको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन अर्थक्वेक क्यों होता है क्योंकि जो लैंड की सिस्मिक वेव्स होती हैं या फिर जो हमारी टे, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट की वजह से होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो जियोलॉजिकल हमारी लैंड के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है कोई कोई भी मॉडिफिकेशन हो रही है उसकी वजह से जो डिजास्टर कॉज होता है उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ डिजास्टर मेट्रोलॉजिकल कोजे हमारे क्या होते हैं जैसे क्लाइमेटोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल क्या है आपस में कनेक्टेड है क्लाइमेट किस चीज के लिए है? Long term के लिए होता है लॉन्ग टर्म को बताता है कि जैसे हम क्या बोलते हैं टेम्परेचर हाई है टेम्परेचर लो है बट ये क्या होता है डे टू डे चेंज होता रहता है बट अगर लॉन्ग टर्म लॉन्ग टाइम ऑफ स्पेंड के लिए वो सेम रहता है अगर वैसा इंपैक्ट रह ता है तो वो हमारा क्या है क्लाइमेट है वो हमारा क्लाइमेट बन जाता है जैसे ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ हो चुका है तो वो इस अब इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट में इंपैक्ट पड़ चुका है वेदर कंडीशंस क्या हैं जो रोज़ चेंज होती हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में चेंज होती रहती हैं कभी एक बार बारिश का मौसम हो जाता है फिर एकदम से धूप निकल आती है तो वो हमारा क्या है वैदर है बट क्लाइमेट क्या होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है सो so क्लाइमेट की वजह से जो भी डिज़ास्टर होते हैं उन कोजेस को हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर ड्रोट हो जाना सूखा हो जा सूखापन देन वाइल्ड फायरस जो हमारे वाइल्ड हैं या फिर जो फॉरेस्ट हैं वहां पे आग लग जाती है वो भी किसकी वजह से होता है क्लाइमेटोलॉजिकल की वजह से देन मेट्रोलॉजिकल क्या होते हैं जो शॉर्ट टर्म वेदर में चेंज होने की वजह से होते हैं जैसे मॉनसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहां पर फ्लडिंग का चांस हो जाता है स्ट्रोम फोग ये सब क्या है एक पर्टिकुलर सीजन में एक वैदर की वजह से होते हैं सो so, वो हमारे क्या होते हैं मेट्रोलॉजिकल कोजेज सो कोजेज ऑफ नेचुरल कोजेज में पहला कोजेस क्या था जियोलॉजिकल कोजेस कि लैंड की वजह से डिजास्टर होना मेट्रोलॉजिकल कोजेस वेदर की वजह से डिजास्टर होना क्लाइमेटोलॉजिकल कोजेस क्लाइमेट की वजह से डिजास्टर होना देन हाइड्रोलॉजिकल कोजेज़ हाइड्रोलॉजिकल कोजेस किस चीज़ से रिलेट करते हैं वाटर से यानी कि पानी के सिचुएशंस में चेंज आना पानी की मूवमेंट में चेंज आना पानी के लेवल में चेंज आना क्वालिटी में चेंज आना इसकी वजह से जो डिज़ास्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं हाइड्रोलॉजिकल उसमें क्या क्या आते हैं जैसे सुनामी है लैंड है एंड लास्ट इज़ बायोलॉजिकल जिसके अंदर पेंडेमिक्स एपिडेमिक्स होते हैं कि वो भी नेचुरली ही क्रिएट हो रहे हैं उसे ह्यूमन बींग क्रिएट नहीं कर रहा वो हमारे क्या होते हैं बायोलॉजिकल कि किसी जीन्स की वजह से कुछ नई ऐसा इंसेक्ट आ गया कुछ नया ऐसा पेंडेमिक आ गया जो पूरी नेशन को या फिर पूरी वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है वो हमारे क्या होते हैं बायोलॉजिकल कोजेस तो कॉजेस ऑफ डिजास्टर में क्या थे नेचुरल कोजेस एंड मैन मेड कोजेज़ या फिर ह्यूमन बींग ने जो कोजेज कंट्रीब्यूट किए हैं तो नेचुरल कोजेज़ के पीछे क्या क्या रीजन है जियोलॉजिकल कॉजेज जियोलॉजिकल कोजेज जिसको हमारी लैंड कोज करती है लैंड के अंदर कोई भी चेंजेस है, होते हैं उसकी वजह से कोज होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है अर्थक्वेक एंड वुल्कैनिक इरप्शन देन क्लाइमेटोलॉजिकल जो क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से होते हैं क्लाइमेट जो कोज करता है वो हमारे कहते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल कोजे जिसके अंदर टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर वाइल्ड फायर्स आते हैं दैन हाइड्रोलॉजिकल जो लैंड स्लाइड्स यानी कि जो वॉटर से रिलेट करता है सुनामी देन मेट्रोलॉजिकल जो वैदर से रिलेट करता है चेंजिंग वैदर की वजह से ये मेट्रोलॉजिकल जो वैदर चेंज है ये भी तो डिज़ास्टर कोज करता है तो उसके अंदर आते हैं फ्लड एंड स्ट्रॉम्स एंड देन बायोलॉजिकल पेंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स तो ये सब क्या है वेरियस नेचुरल कॉजेज हैं जिसकी वजह से क्या होता है डिज़ास्टर होता है कि जियोलॉजिकल वेज की वजह से हो सकता है हाइड्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेटोलॉजिकल या बायोलॉजिकल वेज़ की वजह से नेचुरल डिज़ास्टर हो सकते हैं नाओ ह्यूमन मेड डिज़ास्टर कि जिसमें नेचर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ह्यूमन की वजह से ह्यूमन बींग की वजह से उनकी एक्टिविटीज उनके एक्शंस की वजह से जो डिजास्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन मेड डिजास्टर या फिर ह्यूमन मेड कॉजेज ऑफ डिज़ास्टर सो फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल क्योंकि टेक्नोलॉजी कौन डेवलप कर रहा है ह्यूमन डेवलप कर रहे, रहे हैं हमारे टेक्नीशियंस हैं हमारे साइंटिस्ट हैं सो टेक्नोलॉजी के कल के थ्रू कैसे डिजास्टर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में जब न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा हजारडियस जो केमिकल है उसका स्पिल हो जाए उसका एक्सप्लोजन हो जाए तो उस केस में क्या हो सकता है डिजास्टर कोज होगा उस एरिया में ऐसा हो सकता है कि बहुत नंबर ऑफ डेथ हो सकती हैं सो so ये सब क्या है हमारा टेक्नोलॉजिकल देन इंटेंशनल यानी कि जान किया गया ह्यूमन बींग जो जान डिजास्टर कर कोज करते हैं उसे बोलते हैं इंटेंशनल कोजेस जिसके अंदर क्या आता है टेररिज्म और वॉर जो टेररिस्ट होते हैं टेररिस्ट अटैक हैं ये भी हमारे हैं जो वॉर होते हैं कंट्रीज के बीच में जैसे रशिया एंड यूक्रेन के बीच में चल रहा है तो वो भी क्या है इंटेंशनल डिजास्टर है सोशल उसके अंदर क्या आता है कि सोशल चीज़ों से कैसे ह्यूमन वो कर सकते हैं डिजास्टर कोज कर सकते हैं विच इंक्लूड सिविल अनरेस्ट सिविल अनरेस्ट का मतलब क्या है जैसे प्रोटेस्ट किए जाते हैं कई बार क्या होता है प्रोटेस्ट बहुत हार्मफुल हो जाते हैं कि लोग बस जलाना शुरू कर देते हैं वहां पर आग लगा देते हैं पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं सो ये सब क्या है एक डिज़ास्टर कोज कर रहे हैं तो सिविल अनरेस्ट यानी कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो वॉयलेंस क्रिएट करते हैं उसकी वजह से भी डिज़ास्टर होता है और वो क्या है हमारा सोशल कोज देन बायो टेररिज्म इज़ एन इंटेंशनल रिलीज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज़ वायरस एंड बैक्टीरिया की जान बूझ कर कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया क्रिएट करना ताकि लोगों को अफेक्ट हो हार्म कर सके उसको हम बोलते हैं बायो टेररिज्म देन हेज आरडियस स्पिल कि जो भी आपका बहुत खतरनाक बहुत डेंजरस मटेरियल था वो स्पिल हो गया वो लीक हो गया उसकी वजह से क्या हो सकता है ये ह्यूमन बींग की इग्नोरेंस की वजह से इनेलिजेंस की वजह से ही होता है और जिसकी वजह से डिजास्टर कोज हो सकता है एंड न्यूक्लियर एंड रेडिएशन एक्सीडेंट किसी न्यूक्लियर यानी कि अन इंटेंशनली कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया या रेडिएशन एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से भी क्या होते हैं डिजास्टर कोज होते हैं सो कॉजेज ऑफ डिजास्टर में हमने क्या देखा दो बेसिक कॉजेज होते हैं डिजास्टर के ह्यूमन बींग और नेचुरली नेचुरली अगर हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं जियोलॉजिकल क्लाइमेटोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल एंड बायो बायोलॉजिकल देन ह्यूमन मेड में हमारा क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की वजह से इंटेंशनल वो कर रहे हैं सोशल वो कर रहे हैं जैसे कि सिविल अनरेस्ट है बायो टेररिज्म या फिर हेजारडियस मेटेरियल का स्पिल हो जाना या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से नाउ डिज़ास्टर की क्या क्या फेजेज़ होती हैं सो so, जो डिज़ास्टर की फेजेज हैं वो किस तरीके से हैं बिफोर इवेंट एंड आफ्टर इवेंट के बेस पर हैं कि एक डिज़ास्टर से पहले कुछ फेजेज होती हैं और डिज़ास्टर के बाद कुछ फेजेज होती हैं तो फर्स्ट हमारी फेज क्या होती है मिटिगेशन देन सेकेंड हमारी होती है प्रिपरेशन ये हमारी क्या है बिफोर इवेंट कि डिजास्टर होने से पहले जो दो फेज की जाती हैं वो हमारी क्या है मिटिगेशन एंड प्रिपरेशन डिजास्टर होने के बाद जो की जाती हैं वो हमारी क्या है रिस्पांस एंड रिकवरी कि सबसे पहले क्या होगा मिटिगेशन होगा उसके बाद प्रिपरेशन होगा देन डिजास्टर अकर करेगा डिजास्टर के बाद क्या होगा रिस्पांस एंड उसके बाद रिकवरी और ऐसे ही ये साइकिल क्या होती है चलती रहती है नाउ वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज जो पहली स्टेज थी जो डिजास्टर से पहले होती है वो क्या है मिटिगेशन स्टेज जिसे हम प्रिवेंशन स्टेज भी बोल सकते हैं सो so अगर आप मिटिगेशन का डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना तो मिटिगेशन स्टेज का मतलब क्या है कि ये स्टेज सबसे पहले हम हमें पता है कि डिजास्टर हमें ये नहीं पता कि डिजास्टर होगा या नहीं बट ना हो उसे प्रिवेंट करने के लिए कि डिजास्टर हो ही ना फ्लड आए ही ना अर्थक्वेक हो ही ना या बायोटेरिज्म हो ही ना उस चीज़ के लिए जो आप मेजर्स लेते हो उसे मिटिगेट करने के लिए उसके चांसेस को रिड्यूस करने के लिए कि डिजास्टर हो ही ना वो जो हम करते हैं वो हमारा क्या होता है प्रिवेंशन या फिर मिटिगेशन स्टेज टू प्रिवेंट फ्यूचर एमरजेंसीज एंड टेक स्टेप टू मिनिमाइज देयर इफेक्ट कि फ्यूचर में एमरजेंसी हो ही ना उन्हें नेग्लेक्ट करने के लिए उन्हें प्रिवेंट करने के लिए उन्हें रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं मिटिगेशन स्टेज करते हैं या फिर कुछ ऐसा करना कि अगर हो भी तो उसका जो इंपैक्ट है वो मिनिमम रहे इट अकर्स बिफोर अ डिजास्टर टेक प्लेस कि डिजास्टर होने से पहले ही आप करोगे ना इसका मतलब क्या है कि कुछ डिजास्टर आने से पहले फ्लड होने से पहले होने से पहले जैसे हमें नहीं पता कि अर्थक्वेक कब हो सकता है बट हम चाहते हैं कि अर्थक्वेक हो ही ना और अगर हो तो उसका ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े उसके रिगार्डिंग जो हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी किसके अंदर आती है मिटिगेशन स्टेज के अंदर आती है इन दिस स्टेप इन दिस स्टेप्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो डिक्रीजिंग द रिस्क एंड consequences ऑफ डिज़ास्टर सिचुएशन कि जो भी डिजास्टर है या तो वो हो ही ना उस चीज़ के लिए वर्क किया जाता है और अगर हम उसे रोक नहीं सकते तो कम से कम अगर वो हो तो उसका इम्पैक्ट इतना ना पड़े ना तो प्रॉपर्टी के ऊपर ना पीपल्स के ऊपर इस चीज़ के लिए जो प्लानिंग करते हैं दैट इज मिटिगेशन स्टेज जैसे कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाना जिसके क्या है जैसे अर्थक्वेक से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस तरीके की बिल्डिंग बनाई जाती है जो अर्थक्वेक को भी रेसिस्ट करती हैं यानी कि उनके ऊपर अर्थक्वेक का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता तो हम पहले से ही ऐसी बिल्डिंग बना के चलें ताकि अगर अर्थक्वेक हो भी तो उसका इम्पैक्ट उस बिल्डिंग पर ना पड़े तो वो हमारे क्या है मिटिगेशन स्टेज देन सेकेंड इज़ प्रिपरेशन स्टेज प्रिपरेशन स्टेज क्या है वो डिजास्टर से बिल्कुल पहले की जाती है यानी कि डिजास्टर होने से पहले ही की जाती है बट मिटिगेशन के बाद होती है मिटिगेशन का तो मतलब यही होता है कि वो हो ही ना और अगर हो तो उसके चांसेस कम हो बट प्रिपरेशन कब की जाती है जब हमें ये हो जाता है थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि फ्लड आ सकती है लैंडस्लाइड हो सकती है सो so उसके रिगार्डिंग आप प्रिपेयर करते हो उस स्टेज को हम ते हैं प्रिपरेशन स्टेज टू टेक एक्शन अहेड ऑफ टाइम कि उस स्टेज के होने से पहले ही आप एक्शन लेने लग जाओ उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर करने लग जाओ एमरजेंसी के रिगार्डिंग रेडी रहो उसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन स्टेज यानी कि मिटिगेशन में हमें नहीं था कि हमें नहीं लग रहा था फ्लड आएगी या अर्थक्वेक आएगा बस हम सोच रहे थे कि आप ही जाए अगर फ्यूचर में कभी बाई चांस आया भी तो हमारी बिल्डिंग पर इंपैक्ट ना हो इसलिए हम कुछ मेजर्स लेके चल रहे थे बट प्रिप्रेशन स्टेज क्या है कि आपको आइडिया है कि फ्यूचर अपकमिंग टाइम में आ सकता है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या मेजर्स लेके चलती हैं वो प्रिपरेशन स्टेज के अंदर आते हैं ये भी डिज़ास्टर होने से पहले ही होता है एंड इन दिस इट इज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डिज़ास्टर माइट अफेक्ट इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो डिज़ास्टर हो सकता है वो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस लेके आ सकता है किस तरीके से वो प्रोडक्टिविटी को और बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके रिगार्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं कि कैसे उससे बचा जा सकता है अवेयरनेस करते हैं एजुकेशन करते हैं वो हमारी क्या होती है प्रिपरेशन स्टेज कि जो लोग अवेयर नहीं है कि आगे आने वाले टाइम पर अर्थ पे एक आ सकता है लैंड हो सकती है तो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू रेडियो के थ्रू उन्हें अवेयर करना सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें अवेयर किया जाता है प्रिपरेशन स्टेज पे देन थर्ड हमारी आती है स्टेज स्टेज कब की जाती है इमीडिएट आफ्टर द डिजास्टर जैसे ही डिजास्टर होता है उसी टाइम हमें क्या करना होता है उसे रिस्पॉन्ड करना होता है और यह क्यों की जाती है कि जो भी आपने प्लान किया है आप अब उसे इंप्लीमेंट कर दो यानी कि अगर फ्लड आई है अर्थक्वेक आया है तो उसके लिए कैसे आपको वर्क करना है उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है ताकि आप पीपल्स को और प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी को डेंजर से बचा सको वो आपकी क्या है रिस्पॉन्स स्टेज इट इज़ फोकसिंग ऑन दी एड्रेसिंग इमीडिएट थ्रेट टू पीपल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस यानी कि ये क्यों की जाती है रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि अब डिजास्टर आ गया है उसके बाद रिस्पॉन्स करना उसे कि, कि किस तरीके से आप पीपल या फिर प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट को बचा रहे हो उनकी सेफ्टी को इन्श्योर कर रहे हो उनकी वेल बींग कोन्श्योर कर रहे हो वो हमारी क्या होती है रिस्पॉन्स स्टेज जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसे इंप्लीमेंट करना रिस्पॉन्स स्टेज में आता है जैसे कि रेस्क्यू टीम अगर आपने प्रिपेयर की थी तो अगर अर्थक्वेक हुआ है लैंडस्लाइड हुई है तो रेस्क्यू टीम्स को टाइमली भेजना सर्विसेज को टाइमली अलाउ कराना सो so दैट हमारे जो पीपल हैं प्रॉपर्टियों ने बचाया जा सके वो हमारी रिस्पॉन्स स्टेज होती है देन लास्ट इज रिकवरी स्टेज रिकवरी स्टेज कब होती है आफ्टर द मंथ जब हमारा आफ्टर द डिज़ास्टर जो हमारी रिकवरी स्टेज है मीन्स रिस्पॉन्स में क्या होता था कि जैसे ही डिज़ास्टर हुआ तभी हमारी रिकवरी या रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है बट रिकवरी कब होती है जब एक बार डिज़ास्टर खत्म हो गया यानी कि फ्लड आई थी अब फ्लड ख़त्म कर लिया उसका इंपैक्ट हमने ख़त्म कर दिया अब हम दोबारा से रिकवर करेंगे क्योंकि अगर फ्लड हुआ है अर्थक्वेक हुआ है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन हुई होगी बिल्डिंग डैमेज हुई होगी एन्वायरमेंट में जो डैमेज हुआ है तो उसे फिर से रिकवर करना रिहेबिलेट करना वो हमारी क्या होती है रिकवरी स्टेज की हम दोबारा नॉर्मल प्लेस पर आ जाए

सेवर या कितना खतरनाक वो डिजास्टर था उसने कितनी डिस्ट्रक्शन कोज की है उतना ही ज़्यादा टाइम हम क्या कर देते हैं रिकवरी में लगा देते हैं जैसे कि रीबिल्डिंग करना दोबारा से वहाँ पर डैम्स रोड्स बनाना शुरू करना ये सब किसके अंदर आता है रिकवरी फेज के अंदर सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू कीप सपोर्टिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल